आज हम सुपर ओवर में एक ऐसे राइटर को दावत देने जा रहे हैं जिसका मुकालमा हाफ सेंचुरी के बाद भी उतना ही हिट है कि गली मोहल्लों से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक एवरग्रीन है। खातिन हजरात, प्लीज वेलकम द किंग मेकर, द वन एंड ओनली नवाए सोने नासिर अदीब। गजदे ते बड़े ने लेकिन वसदा कोई कोई है सोनिया। की चाहना है? बस पवा मैं। ओए बस पैंगा ते लाहौर च चिक्कड़ चिक्कड़ हो जाएगा। मैनू आ पेन दे दे जिंदे नाल। तू मौला जट दे डायलॉग लिखे सन सोनिया। कलम तो पहले किस्मत मंग रब कोलो। टू गुड। खादिन हज़रात, ये हैं द ग्रेट नासिर अदीब साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, और उनको ज्वाइन करने आ रही हैं खूबसूरती का मुजस्मा ऑल द वे फ्रॉम स्पेनिया स्पेन, लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज अ मॉडल एंड ओनली 6'2", आई थिंक 6'7", और मे बी 6'1", आई डोंट नो, बट शी इज टॉल। प्लीज वेलकम जेरेना आइदर। जेरेना आइदर, ओ पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म मौला जट थी, अपने दौर में ये प्लैटिनम जुबली कर चुकी थी। एक फैक्ट भी आपको बता दूं कि इंडिया ने इस फिल्म को 5 दफा कॉपी किया, इसी स्टोरी लाइन को, लेकिन ओली फिल्म मौला जट नहीं बना सके जी नासिर अदीब साहब ने बना चली। Jurena, welcome to the show. I have just one thing to ask you as a favor. Can you say this in Punjabi? Okay. Ve molya. Ve molya. Main teri. Main teri. Pakki pakki. Pakki pakki. Mashuka. Mashuka. Idhar vekh. Idhar vekh. Ah, nahi, mainu vekh. All right. You basically said Ve molya, which is the superhero. I am yours forever. ओ नो, हुन आराम है बेटा? ओए मखो, तैनू ते पता है लाइन मारना साडा फर्ज है। नासिर साहब, जट्टों पे तो आपने बड़ी फिल्में लिखी हैं, लेकिन ए जड़े दो जट अलग हो गए ने, इन्दा की करना है? इन्हां दा कुछ नहीं हो सकता जी, सिवाय इस दे के इन्होंने एक बार फिर समझाया जाए कि कत्ल होना चाहना। लेकिन एक जट दी ते समझ भी नहीं आती की कह रहे हो। जिन नहीं समझ आते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। है कलमकार, दो जट्टों पर जब भी कोई फिल्म बनाई जाए तो टाइटल सॉन्ग ये हो, दो जट्टों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, जुलम हुआ रामा गजब हुआ रे, जुलम हुआ रामा गजब हुआ रे। पहली बारी मैं ऐसा बादशाह वेख्या जरा कमर्शियल ही जरा लग रहा है। Is it the king or a queen? Yeah, we're still in doubt. के वो कहनी पड़ी है कि तू बादशाह है के मलिका? ये मलिका शरावत है। नासिर साहब, आपने अपने करियर में बहुत सी फिल्में लिखी, लेकिन मौला जट के डायलॉग्स आज भी 45 years के बाद लोग अभी तक बोल रहे हैं। कौन सी रेसिपी आपने इस्तेमाल की थी? मैंने सिर्फ अपने मुल्क के हालात को देखा था। मैंने देखा था कि एस्टेब्लिशमेंट और अवाम आपस से इतने एक दूसरे से इतने दूर हो गए, यूं कह रहे हैं कि अवाम को इतना दबा दिया गया था कि उसकी आवाज़ बनना ज़रूरी था। अच्छा। मौला जट के मकालमों को मैंने मौला जट के रूप में अवाम की आवाज़ बनाया, और एस्टेब्लिशमेंट के रूप में मैं नूरी नाथ को लेकर आया। अरे, लिहाजा जब तक इस मुल्क का ये सिस्टम ऐसे रहेगा, मौला जट गूंजती रहेगी। क्या बात है। सरवर भट्टी की जो आपने मौला जट लिखी थी, उसके लिए आपने कितने पैसे लिए थे? तकरीबन 7,500 रुपए। और जो बिलाल लशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी, ऑन कितना मीटर राउंड कितना? मैंने उनसे 10 लाख रुपया मांगा था। उन्होंने मुझे 15 लाख रुपया दिया। अरे वाह,
Jared, apart from being a top model, you also possess any other hidden talents? Let's suppose if I give you a scenario where, in which you have to write a film. Okay. Will you charge me money or would you charge some extracurricular activities? Time is money. All right, what kind of film would you write? I think some thriller. Thriller? Yes. You like thrillers? I love thrillers, yeah. Oh, we have a thriller. Fortunately, he's not Michael Jackson. But we do have a thriller. आप ये छोटा टोका कत्ल करने के लिए लाए होर मैद नाल मसवाका ला के बेचना है मरण जोगिया ए तुसी वड्डा गंडासा मारन ले आए आ दे नाल नूरी दी लत वडनी है होर केड़ा दे नाल बेकरी चो रस कढना वा रस 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 जटा बस आ नता फुल बेंच दा मैं इंतजार नहीं करना पैन दी डोली भी ले जानी है ते लत भी ले जानी है बता रौला ना पा पिछे बच्चे सुते पए ने सुते पए ने आ पैन ले जाएगा ये तो ठीक है लत ले जाएगा लत ते कोई रेडी ते लगा केला ते नहीं जड़ा चुके ले जाएगा है जुड़े आ पिंडा वक्खो वक वेखना चाहना वा आखर धरती नत दा लहू कदों वेखेगी दारो कदों वेखेगी वे इत्थे ही रुक जा नता किधरे मीडिया नु पिछे ना लुआ ली दारू मैं किड़ा परवेज लाई हाँ वे नसल दा नत होवे ते कुकड़ां दी लड़ाई च वर्ल्ड कप भी जितिया होवे फिर भी जिमनी इलेक्शन दे विच 15 सीटां हार जावे वे हो जा नता नते कदी ख्वाब भी नहीं सी वेख्या एक मिनट तू माखा है कि नत है कभी दीप साहब की टोन कभी मुस्तफा साहब की टोन कान खोल के सुन ले कालू वो लंदन चला गया है ते प्रॉक्सी भी कोई चीज होंदी है बट जी मुझे लगता है ये डबल सिम है ये टूट पैना कौन है कूड़ा चुकन वाला ट्राला मैंने तो कुकड़ियां हलाल करके सुटन वाला ड्रम लग रहा है वे तू मैनू माखा जट नहीं कोई माठा जट लगना है वे तू ते कहंदा सी तेरे बैक डोर रबते ने ऐसे गलत फैमिली ते मरवाए दारो जुल्म के ये जाबते और बैक डोर के रबते कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन यस हु आर दीस पीपल हु आर दीस पीपल दे आर भाई ए पूछदी पे कि तुसी कौन हैगे नूरी साहब यू डोंट हैव आईडिया हु एम आई नहीं आई एम अ नूरी नत टूट पैणगे नूरी नत आई एम द बैड गाय इन द लाहौर पाकिस्तान रियली विलन ओह माय गॉड आई एम सो स्क्यूर्ड आई एम यू सिंपल वर्ड इन खलनायक ओ वड्डी ते खलनाय लंदा टुट पैण दी खल ते उतरदी नहीं एदी खल लाण वास्ते ते लोकां दी अपनी खल उतर जांदी है एडी वड्डी खल खालो खल मौला ने महंगाई ना मारे ते मौला नहीं मरदा ਓਏ ਕੰਟੇਨਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਹ ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਇੱਕਦਮ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸੇਠੀ ਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਸਲੌਟ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀਆ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇ ਨੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆਈ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਸਲਾਟ ਵਾਲੀ ਦਾਰੂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਲਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਲਾਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪਾਟ ਦੇਣੀ ਦਾਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਤੇ ਮਾਰੋ ਓਏ ਨਤਾ ਹੱਕਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਕਦੋਂ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਅਫਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਝੂਠਿਆ ਹਾਏ ਨੱਤਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਹਿਮਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਾਲੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਟਕੇ ਟੋਕਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਅਦਬ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਅਦਬ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਵੋ ਪਰ ਰਵੋ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਵੋ ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੈ ਦਾਰੋਏ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੌਜ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬੈਚਮੇਟ ਥੇ, ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਯਾਵਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਅਪਲਾਈ ਕੀਆ ਥਾ, ਐ ਜਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਆ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਰਤਾ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮਤ। بیچ میٹ آپ بے شک مشرف صاحب کے تھے لیکن وزیر اعظم انہوں نے شوکت عزیز کو بنایا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں تین دن کے بعد انہیں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ فلم شولے ہو یا مولا جٹ، ڈائیلاگ ہمیشہ ویلن کا ہٹ ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کائنات کو بھی اگر دیکھیں تو اس کا آغاز ویلن سے ہوا ہے۔ میرا ایک مکالمہ ہے کہ فلم کبھی بھی ہیرو ہٹ نہیں کرواتا، فلم ویلن کی وجہ سے ہٹ ہوتی۔ میں 100% اگری کرتا ہوں۔ یہی وجہ کہ میں نے اپنی وحشی جٹ جو پہلی میری فلم تھی اس میں میں نے اپنے ویلن کو انٹچیبل رکھا تھا، اس سے پہلے ہر ویلن ہر ریل میں مار کھاتا تھا۔ بالکل۔ تو میں نے یہ سیکھا کلام پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ویلن کو خود اتنی پاور دی جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ نہیں نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس سے پہلے تو ہمیشہ ویلن ہیرو کی دو چپیڑے کھاتا تھا تے نس پیندا سی، لیکن جدوں دا نوری آیا تے واہ جی واہ، چھوٹی گل وڈی ہو گئی۔ سننا پیا آئے ہوئے، ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਓਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿਲਨ ਤਗੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਠੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਪੈਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਵਾਦਾ ਰਹੇਗਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਲ ਪਲੇ ਨੱਤਾ। ਮੁਖਾ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਬੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣ, ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਓਏ। ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਨੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਪਵਾਏਗਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੱਟਾ ਪਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਖਰਾਬ ਕਰੇਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ। ਵੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਰੋ। ਦਾਰਾ ਨਥਰੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਿਲਾਵਲ ਪੁੱਟੋ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੇਰ ਜਨੈਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਰ ਫਤਮ ਹੋ। ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ। ਨੋ, ਆਮ ਨਾਟ। ਐ ਗਰੀਬ ਉਲ ਵਤਨ ਕਲਮਕਾਰ, ਜੁਨੈਰਾ ਕੋ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕਰ
मुगले आजम में इंसल्ट कर दो, आलम पना दिलाराम की जगह जुनैरा को अपॉइंट करना चाहते हैं। क्या ख्याल है आपका? और टुट पैने बादशाह, कुड़ी दी सेहत वेखते अपना पिंडा वेख मरण जोगिया। ओए नत्ता, मैं ते फिर जवान जाना, ए ते बुढ़ा ठेरा, बुढ़ी कड़ी लाल लगाम चप। अरे वाह 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 वाह, बिन बुलाए मेहमान, आप दोनों कौन हैं? मैं नूरी नथदा डिस्टर कजन हूं, अक्कू कातल। डन 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 बल 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 बल। चुप हो जाओ मदारी की औलाद, चुप हो जाओ। और मैं हूं नाना पाटेकर का दोस्त। टुट पैणिया, तेरी ते मौला जट दे विच जगह ही कोई नहीं, ते तके नाल किधर आई जानिया? हो सकदा है दे बच्चे नु डाकू चुक के ले गए हन, ते साड़ी मदद लेन आया होए। चुप हो जाओ वरना तेरी मूछों को रेस दे दूंगा। ज्यादा बकवास की, लड़ो लड़ो लड़ो, लड़ने में क्या जाता है? लड़ो लेकिन उस क्रैप पॉलिटिशियन की तरह, जब नैब हाथ डालता तो एक हो जाते हैं और पकड़े जाए तो बीमार हो जाते हैं, लेकिन इतना सोचने के लिए वक्त है किसके पास? क्योंकि सारा एक लेटर सीएम और पीएम को घर भिजवा देता। अच्छा है, अच्छा है, बम जोगा किधर है? बसां च सौदा सुदा बेचता, इधर ही आ गया है। बसां च चढ़ के कहता, देखो सर गौर से फिर बात करना किसी और से, मैं पास तुम्हारे आया हूँ, चीज अनोखी लाऊं, चीज वो पीने की, रात वो जीने की, ठंडक है वो सीने की, शायद तुमने पहले पी भी है, इसमें विटामिन सी भी है। ले आ मर टुट पैने आ, 5 रुपए दे गुड्डे वंगो उत्ते ही तारां च फस गया है। ए मौला जट नहीं, ए अनवर रटोरे, पक जाएगा ते आप ही थल्ले डिग जाएगा। ओए अपनी बक बक बंद करो, ओए तुसी ओ पुरानी फिल्म मौला जट दे करैक्टर, ते मैं अ लेजेंड ऑफ मौला जट। ये मौला जट नहीं, ये कॉला जट है। बम 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 प्लस। आ जा मेरे बच्चे, आ जा, कल का टॉफी लेके बैठा वो देखो कितना प्यारा है, बाल का वजन ज्यादा है इसका, अपना कम है। तेरा तो वाल वाल कर्जे च लगता है टुट पैणे। मेरे ख्याल में ये सारी शॉले बिक गई, एक रह गई है, नहीं बिक रही है, खरीदने। वो तो मौला जट सी है, सारा मौला काट। दिल्ली जी नो मौला जट, जिसके अंदर फवाद खान ने मौला जट का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, आपको उसके ट्रेलर से ही मालूम हो गया था कि जब वो ट्रेलर आया इतनी पॉपुलैरिटी उसने हासिल की कि SRK और राम गोपाल वर्मा दोनों ने उस प्रोमो की तारीफ की। फिल्म डायरेक्ट किए बिलाल लशारी ने, जिसने वार फिल्म डायरेक्ट की थी, जो कि पाकिस्तान की टॉप 10 ग्रेट फिल्मों में से है। बिलाल लशारी का रिजल्ट तो उदों आएगा जदों उसकी फिल्म रिलीज होएगी। ओए तारीफ करनी है ते नासर अदीप साहब दी कर, हां ओए तारीफ करनी है ते मोहम्मद सरवर पट्टी दी कर, हां तारीफ करनी है ते यूनस मलिक साहब दी कर, जिन्हां दी अद्धी सदी तो मौला जट दियां तारीफां आई जा रहीयां ने, आई जा रहीयां ने, और अजे तक लोकां दे दिमागां विच समाई है, जदों भी मौला जट दा नां लिया जांदा है टुट पैणिया, उस तो सिर्फ मौला जट दी नहीं, नाल नूरी नत नत दी आवाज भी आउंदी है। आहा, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, खवातीन आजाद, आप देख रहे हैं सुपर। नासिर साहब मुझे एक बात बताएं, आपने तो ये हर रोज ही सुनते होंगे, मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता, क्या इसी टोन में ये डायलॉग लिखा गया था? नहीं। फिर कैसे लिखा गया? मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, डायलॉग अपनी डिलीवरी खुद बताता है। जिस तरीके से सुल्तान राय ने बोला वही सही इसकी टेम्पो थी। मौला ना मारे वो मकालम हैगा जिन्हें इस मुल्क च पटवारी तो लैके जरदारी तक ने बोले। ए पटवारी नु जरदारी साहब नाल क्यों लेबल कीता, कोई खास वजह? जी पटवारी और जरदारी एक सिस्टम दा नाम है। ओए 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 जालिम, और मेरी फिल्म इसी सिस्टम के खिलाफ है। जो पटवारी चाहता था जरदारी होने नहीं देता था।
और जो जरदारी चाहता, जो जरदारी चाहता था वो पटवारी ने नहीं होने दिया। कप्तान और परवेज इलाही मिलके करे, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ते खैर ना दोवे कर की रहे ने। वो उस सिस्टम के खिलाफ हैं जिस सिस्टम के खिलाफ मैंने मौला जट लिखे। नासर अदीब साहब अगली मौला जट लिखो, मेरा ते दारो दा पहली तीन रीलां च नकाब पढ़ा दियो। दारो, दारो के लिए मैं कहूंगा दारो मेरी किस्मत संवारो। कैसे बताओ मेरे लिए तुम कौन हो? तुम ही मेरा पिज्जा हो, तुम ही मेरा बर्गर हो, तुम ही मेरा पापड़ हो, तुम मेरा पॉपकॉर्न हो, तुम ही मेरा नाजमाबाद का पुल हो, शेरशाह की धूल हो, तुम ही मेरा सदर हो, तुम ही मेरा गदर हो। कैसे बताओ मेरे लिए मैं तुम कौन हो? तुम ही मेरा किराए का मकान, मेरे बच्चे की दुकान। कैसे बताओ मेरे लिए तुम कौन हो? तुम ही मेरा रेंशुलन, तुम ही मेरा खरादर हो, तुम ही मेरा लालू खेत, मेरा सदर हो। कैसे बताओ मेरे लिए तुम कौन हो? दारो टुट पैनी हो भी डायलॉग ते बोलना, जेदे बाद इस टुट पैने ने मरना है। वे ओ केड़ा ए दारो, मेरी माँ मर गई। ए भाई गाड़ी रोको। ए भाई दारो, दारो मर गई। ए भाई, ए भाई ओए। और दारो, दारो वे कोई तेनू मेरे मगरों चाड़ो। दारो मैं चाहता हूँ तुम्हारी मेरी शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो, वो भी मेरा बच्चा हो, हमारे 150 बच्चे हो, घर से इलेक्शन लड़े, घर से ही जीत जाए। तेरा मतलब है कि तेरा सारा दारो मदार एदे ते वे? वेदा दारो मदार भी नहीं, तेदा कारोबार भी कोई नहीं। ए मेरी मांगे भरके फुल जांगे, नादर गिरधा, नादर गिरधा, नादर गिरधा। एक बात बोलू? हाँ। तुम करीब से भी बहुत बुरे हो। गर्दन छोटी अखा फिर गया रे। वे अकू माखे वंगर मेरे कोलो हिक ते किधरे गोली ना खा लई। टुट पैनी है, हिक ते गोली खान वाला बंदा नहीं, ये हिक ते चमोटे खान वाला है। दारो मेरा जीवन भी सवारो, पड़ेउड़ेउ कोई आए कहीं से खाना खिला दो। दारो पड़ेउड़ेउ मेरा जीवन भी सवारो, पड़ेउड़ेउ कोई आए। आप हमारे दौर में होते तो हम के आसिफ और अमानुल्लाह खान को जिंदान में डालकर मुगले आजम का स्क्रिप्ट आपसे लिखवाते और अंडर टेबल रकम देकर शेखों को बागी की जगह गद्दार पेट कर पाते, जैसे कप्तान ने मुनहरिफ अरकीन को किया है। कप्तान ने मुनहरिफ अरकीन के साथ जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आप मुझे जितनी भी रकम देते रिश्वत के तौर पर, मैं अपने कलम से कभी गद्दारी न करता। आफरीन है तुम पर नासिरुद्दीन, बादशाहवारी तुसी इनकलाबी राइटर बन जाते हो, हम आलम बना है आपकी मुट्ठी गर्म करके जो कुछ मर्जी लिखवा सकते हैं। मैं अगर कमर्शियल राइटर होता और मुट्ठी गर्म करवाने वाला होता तो मैं सरवर भट्टी की 7,000 में मौला जट न लिखता। मैंने 15 लाख रुपया लेकर जो लेजेंड मौला जट लिखी, जिस फिल्म के मुझे पैसे नहीं मिलते, उसी भी उसी पैशन और उस खुलूस के साथ लिखता हूँ। नासिरुद्दीन को इस्लामाबाद F6 में प्लॉट अलॉट कर दिया जाए। जी है बादशाह, अदीब साहब नु प्लाट लेके दई जाई, अपने प्लाटलेस दा इलाज ना कराई। असल अदीब साहब इस टुट पैने कोल कदो पैसे हुंदे ने? ए एवें गल्लां ही मारदा पिया है टुट पैना, ये ते मालशी को कुटवा ले ते पैसे नहीं दिंदा, उल्टा ओनू कुटन लग पैंदा। नैला, यू हैव बीन इन पाकिस्तान फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 1 year and a half. And what is the one thing that you love about Pakistan? There is so many things I love about Pakistan. Please. I love the people, I love the country, I love the culture, I love the traditions here. You love the people, but not yes. this kind of people, right? Yeah, he's nice. Yeah, he's nice. Yes, of course he's nice. So what is your favorite food in Pakistan? I like palau. Palau! Palau wali gudi aa gayi! Dal.
Dal? Yes. Biryani. Biryani? Yes. Oh. Do you like alu ali biryani, alu de bagair ali biryani? Every biryani. Alu bhi khandi hai, te biryani bhi khandi hai. Vote ke dare Mian Nawaz Sharif nu te nahi paandi. Puch le. You like Nawaz Sharif? No comment. No comment. Okay, you like Imran Khan? Main samajhti nahi. Main samajhti nahi. ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਦਾ ਵੋਟ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਯੂ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਫੋਲੋ Yeah, acting, all this. Like, oh, who's your favorite actor in Pakistan? Ahmed Ali Bhatt, of course. No, but who's your favorite actor? I like Maria Khan. I like Saba Kamer. Not favorite in male? No. But jo gaya main te aap chahna ma ke Malka wale baag te jaake mere piche piche Gandhi phire. O dildar mere pyar bolon bach ke ve dass kithe jaawega. ਇਹਤੇ ਹੋਰ ਗੰਡਾ ਹੋਣ ਗਿਆ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਇਹਤੇ ਹੋਰ ਗੰਡਾ ਹੋਣ ਗਿਆ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ऐसे ही गाते हुए निकल जाओ 5 किलो आटा जमा हो जाएगा तुम लोग जिनेरा आर यू फेमिलियर विद द पाकिस्तानी डांस द डांस एंड द म्यूजिक ऑल्सो ओह ओके इफ यू डोंट माइंड कैन आई शो यू समथिंग You show me. Okay, please. Junaira, please come. Let me teach you the Pakistani dance. Wow. This is called the Bhangra. Okay? Oh, yeah, the Bhangra. You know the Bhangra now. Okay, first of all, what we do is. आपको तो पता है पाकिस्तानी फैशन हमारा बहुत कमाल का होता है स्पेशली आवर ड्रेसेस व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लव अबाउट पाकिस्तानी फैशन मुझे फील के मैं शहजादी है यू फील लाइक अ प्रिंसेस जी वेरी नाइस ही फील्स लाइक अ गलेडू बट जी बाखुला दो नासिर हमारे दिल के बहुत करीब है एक नासिर अदीब और दूसरा नासिर काजमी नासिर अदीब हमें इजाजत दीजिए हम आपको नासिर काजमी साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब की गजल सुना सके कैसिया बिजली है तू कैसिया बिजली है तू बड़ी कीमती है तू बड़ी कीमती है तू सब्सिडी की तरह सब्सिडी की तरह खड़ी है तू बड़ी कीमती है तू बड़ी कीमती है तू सीएम वो नहीं रहा सीएम वो नहीं रहा जिसकी पोल्ट्री है तू
भाई आप सबको ये जान के खुशी होगी कि जेनेरा इज एक्चुअली लुकिंग फॉर द पाकिस्तानी नेशनलिटी आई बिलीव. Yes, why not? Okay, for that you need to get married to a Pakistani, right? Yes. What kind of man are you looking for? With a good heart. Ah, Nasir sahab, itna khoobsurat dialogue aapne Mahira Khan ko diya ki maulya main teri pakki pakki mashhooq hoon. Is tarah ka khoobsurat dialogue Janaira ko bhi dein taaki hamare mard usko propose kar sake. Aap bol sakti hain Punjabi? Ji, bilkul. Okay. Kandi koi sona ja dil te leke aao. Main hazir. कोई सोना जिया दिल ते देओ मैं आजिरा. हमारे दिल से खिलो खिलौना नहीं टूटता. वे इंपोर्टेड हकुमत नहीं मानते, इंपोर्टेड हीरोइन मान लीजिए. जेनेरा मैं कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो? तुम ही मेरा कुलचा, तुम ही मेरे नान हो, तुम ही मेरे लिए रसगुल्ला और तुम ही मेरे लिए मिठाई का दुकान हो. मैं कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो? तानु शुगर नहीं आएगी? नहीं नहीं, मैं शुगर लेस हूं. नहीं है जुनैया, मेरे ना शादी कर, मैं तेनु श्रीलंका ले जाऊंगा. मैं नहीं इंटरेस्टेड है. जुनैया तू हुनन कह दे कि मैं तेरे को नसीब पजी मशहूक हां. जुनैया दे नाल श्रीलंका ना जाई, तेनु भी इहदे कोलो किसे ने खोई लेना. मैं तुहाडे टोटे टोटे कर देंगा, टुट पैणे अगर किसी ने जुनैया नाता लो गौर ना वेख्या ते. मैं नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान आऊंगी. नासिर साहब, हमारी फिल्में तो वैसे ही बहुत कम बनती हैं, तो हमारे सिनेमा को रिवाइव करने के लिए क्या इंडियन फिल्मों की नुमाइश यहाँ होनी चाहिए? मैं फिर भी एक पुरुमीद और अपने बात को रिपीट करता हूँ. वो मेरा एक चैलेंज तो मैं नहीं कह सकता, न मैं चैलेंज किया करता हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा और लाहौर से होगा. नासिर साहब, ये जो यंगस्टर्स फिल्म बना रहे हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये टेलीफिल्म्स हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टीवी का राइटर क्या है? एक कतरे से दरिया बनाता है. फिल्म का राइटर क्या है? वो दरिया को कूजे में बंद करता है. ये डिफरेंस उसमें है, यही फिल्म का फॉर्मेट है. अगर ये जो नई पौध है इसमें हमारे तजर्बे को शामिल कर लें तो वो मुकम्मल हो जाएंगे. बिल्कुल दुरुस्त. जैसे बिलाल लाशारी फिल्म बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने अपनी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए कलेबरेट किया नासिर साहब के साथ. जी बिल्कुल ठीक है. और ये उसकी अकलमंदी और उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, वो उसके पास उसका दोस्त है पर्सनल वासे चौधरी, उसने वासे चौधरी साथ ट्राई भी की जी जी मौला जट के लिए, एक और राइटर को भी ट्राई किया. बाद में उसके एहसास हुआ कि ये जो टेम्पो है, ये जो कैरेक्टर है, इसके जो एक भरपूरता है, इसमें जो अग्रेसिवनेस है, इसमें जो बगावत है, वो इनके कलम में नहीं है. उसने मुझे हायर किया. अच्छा. और जब मुझे हायर किया तो एक ऐसी फिल्म बनी. वो एक कम्बिनेशन ऐसा हुआ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे से कुछ सीखा कि नहीं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ. उससे पहले ये दोनों स्क्रीन प्ले दोनों राइटर्स लिख चुके थे जी. अच्छा, वो फिर नहीं वो फिर नहीं बने. फिर बिलाल अशारी ने अपनी कहानी एक खाका मुझे सुनाया. मुझे सुनाने के बाद फिर बात वही थी. मैंने उसे कहा जी इसमें ये जो कमी है वो उसको मैं ठीक कर दूंगा. अच्छा अच्छा. फिर उसको मैंने उसमें, यानी यूं कह लें कि वो टीवी और ड्रामे राइटर के अंदर एक फिल्म का राइटर एंटर हुआ. अच्छा अच्छा. तो आपने वासे चौधरी साहब की स्क्रिप्ट और उनकी स्क्रिप्ट को जोड़ के अपनी इनपुट दी उसके इनपुट. उसके बाद एक कहानी मुकम्मल हुई, उसके बाद डायलॉग लिखे गए. तो इस तरह तो नासिर साहब मौला जट के तीन राइटर्स हो गए जी. मौला जट के मैं कहता हूँ जी 10 सारे राइटर हो जाए, नाम उस पर नासिर अदीब का ही आएगा. बट जी अगर असी नवी मौला जट वासे चौधरी को लिखवाते तो उन्हें का नाम भी बदल देना सी, मौले की जवानी फिर नहीं आनी. नासिर अदीब साहब वासे चौधरी कोलो मौला जट ना लिखवाओ, ओदे कोलो मुद्दे दी आएगी बरात लिखवाओ. वादी रोजाद, आज के सुपर ओवर में नासिर अदीब साहब ने एक जारहाना इनिंग खेली. इनके लिए तालियां. जुनैया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सुपर ओवर. लेकिन आज हम नासिर अदीब साहब के करियर को डिस्कस करें. ग्रेट फिल्म्स लाइक वैशी जट, मौला जट एंड लेजेंड ऑफ मौला जट. तो क्यों ना आज के सुपर ओवर का इख्तिताम एक पंजाबी तड़के से करें. लेकिन एक शर्त है बट बहादुर, अद्धा गाना मैं दारा ना करांगा, अद्धा गाना मैं जनेरा ना करांगा. गाना करन लगा है या गाना चुक के दौड़न लगा है?
ਤਵੀਤੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲ।